नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 26वें दिन की कथा। अध्याय 26 में दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था। वह बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल और चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलना, चोरी, वेश्यागमन तथा सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। वह राजा महिष की बसाई हुई थी, इसलिए उसका नाम महिष्मती था। जहां पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही थी, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखते हुए एक महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा नदी के किनारे घूमते हुए उसमें स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। उसने देखा कि वहां कई पुराण पढ़ रहे हैं, कई सुन रहे हैं, कोई नृत्य गाना बजाना आदि कर रहा है, तो कई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए हैं। कई ने विष्णु की मुद्रा अंकित करवा रखी थी और कई तुलसी माला पहने हुए थे। धनेश्वर नित्य वहां घूमता हुआ वैष्णवों का दर्शन, भाषण और स्पर्श करता। इससे उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीना भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण तथा गौ पूजन, कार्तिक स्नान किए हुए मनुष्यों द्वारा किए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को भी देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों को जलाया था, इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, उसके सब पुण्य निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहां घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने उसे काट खाया और वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देख उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाल दिया। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उस मरे हुए को अर्थात उसकी आत्मा को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की सैमनी नामक पुरी में पहुंचे। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत्य नहीं किया है। इसके दुष्कर्म एक वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। यह दुष्ट तो पाप की मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करेगा। हे सत्यभामा, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से अर्थात दूतों से क्रोधित होकर बोला, हे प्रेत पतियों, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। धनेश्वर को यम के दूत मुदगरों से मारते हुए वहां से ले गए। तब मुदगरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेत पति ने गर्म तेल के औंटने वाले, जिसमें गर्म तेल चड़चड़ाहट का जिसमें गर्म तेल से चड़चड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया। परंतु वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसके डालने से अग्नि शांत हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेमपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है।
क्योंकि इसने अंतिम समय में नर्क को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह उनके पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का दर्शन और संसर्ग किया है, इससे इसमें उनके पुण्य का छठा अंश आ गया है। इसने उनकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत के मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर डालते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है, इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए हैं। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त करने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी मिलता है। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले, यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सर्व नरक, धनेश्वर को सभी नरक दिखाने के लिए कहा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 26वां अध्याय संपूर्ण।